डिस्टेंस एसी बेटा 9x किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई फर्स्ट कार है एसी चलनी और सी पे जाके पहुंची कितना आवर में? 9 आवर में। तो कितना कितना उसका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड माना आपने एक्स और टाइम लगा 9, तो 9x किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टेंस बी सी कितना हो गया? 9 बाई किलोमीटर। डिस्टेंस बी सी कितना हो गया? 9 बाई किलोमीटर। अब आपको गिवन है एसी माइनस बी एसी, आपको ए भी गिवन है बेटा 90। ए भी क्या गिवन है आपको? 90। तो बेटा ए भी कैसे आएगा? एसी में से किसको हटा दो, आएगा कि नहीं आएगा? भाई टोटल एसी में से बीसी हटा दोगे तो ए भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एसी हमारा कितना है? तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिक्स, बेसिक फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई डाउट? ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया, इतना को भी कर लीजिए। क्या थर्ड वन? क्लास मार्क, क्लास मार्क निकालनी थी ना। अरे ये क्लास मार्क निकालनी थी तेरे को, मॉडल क्लास की क्लास मार्क निकालनी थी। तो 27 सबसे ज्यादा आ रहा था, 40 से 50 के बीच में। तो इसकी क्लास मार्क होती है, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू, दिस इज क्लास मार्क। आया? और बेटा जब तुम सबको बोल रहा हूँ, जब भी आप मोड मीडियन मीन उन तीनों का आप रिलेशन निकालोगे तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन लिखोगे और सबट्रैक्ट वाला नहीं लिखोगे, ये लिखना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये लिखोगे हमेशा, वो नहीं लिखना, ये लिखना, ये होता है। तो सिंप्लीफाई करके देखो तो किसी और दूसरे केस में याद रखो, लेकिन आप ये याद रखो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये चीज याद रखो। और लास्ट में आपका क्या गलत था? सेकंड वाला मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है बेटा, सब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी 1 मैक्सिमम हो सकती है, सबका सम कितना है? 1। और फोर्थ नहीं, फिफ्था, क्योंकि बेटा 13% तो सही है, 5/4 गलत है ना, 1 से ज्यादा आ रही है। चलिए केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि किसी पॉइंट डी पे आके मिल रहे हैं। फर्स्ट कार दोनों इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, तो दोनों डी पे आके मिल रहे हैं। मुझे पता है ए बी के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर गिवन है, ठीक है? ए बी के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर गिवन है। कितने आवर में दोनों एक दूसरे की तरफ मिल रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से कितने आवर में मिल रहे हैं? तो बेटा ए बी डिस्टेंस 9/7x होगा कि नहीं होगा? और ए बी डी डिस्टेंस कितना होगा? 9/7y। भाई ए को बी तक पहुंचने में 9/7 आवर लग रहा है, तो टोटल हो गया 9/7x, अभी भी हो गया 9/7y। नाउ ए बी कितना है? 90।
तो ए बी हो गया ए बी प्लस बी बी इक्वल टू 90, ठीक है? नहीं, तो ये हो गया 9/7x प्लस 9/7y इक्वल टू 90। 9 से डिवाइड कर दो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 70। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70, कोई दिक्कत? अब दोनों को सोल्व कर लो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा तेरा बाकी का होमवर्क उस दिन वाला, इतना टाइम था बेटा, कल संडे था फिर भी बच गए, क्या कर रहा है इसे? गलत बात, अपने पास टाइम का है और तेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं है। तेने तो अब चालू किया, फिर तेरा तेरा होए नहीं गया ना बेटा? मैं नहीं पढ़ा रहा है, पहले होमवर्क कर लो तुम, छोड़ो नहीं पढ़ा, मतलब ही नहीं योजना एक ही नाटक, क्या मतलब? तो फिर छोड़ दे, मैं छोड़ दे, मम्मी से बोल देता हूँ मैं अभी फोन करके, छोड़ दे नहीं करना। ये क्या बात हुई तुम्हारी कि मैंने एसएससी मैथ्स से ये करना है बाकी के सब्जेक्ट तो मैं छोड़ दे दीजिए, वो नहीं आएगा कि तेरा सब्जेक्ट मैथ्स? मेरी मम्मी से बात करवाना तो बात, मैं नहीं कर रहा, बाद में बात करेंगे तुम। ये क्या जवाब हुआ तुम्हारा, ये क्या जवाब दिया था ना मेरे को? नहीं, ये क्या जवाब दिया तुमने? तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ ले फिर छोड़ दे, मैंने क्या 10-15 होगा ना वो दिए थे क्या? बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे तुमको जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा। मैंने क्या 5 घंटे का क्वेश्चन होमवर्क दिया था तुमको? 1 घंटे का भी होमवर्क नहीं है वो, आधा घंटे से ज्यादा का हो जाए तो मैं मान जाओ। कितने घंटे लगे फिर? आधा घंटे का भी मैं इसका होमवर्क नहीं करेगी तुम? बात करो अभी मम्मी से, है ना, जाने से पहले बात करवा के जाना, मैं नहीं करूँगा अभी, नहीं तो अगले दिन से क्लास में एंट्री नहीं दूंगा तुमको। पहले बात करवाना तभी जाना आगे क्लास। कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम मैंने चीजों को है ना लाइटली लोगे, जवाब है ना तुम उल्टे दे रहे हो यार, कि मेरे को है ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बाकी सब्जेक्ट करना है। ठीक है बात हुई, मना कर देता हूँ तेरी मम्मी से कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, हो गया मेरा वो कोर्स काम खत्म, छोड़ो। कोर्स करवाना था, कोर्स मैंने 2 बार करवा दिया, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा। जब तेरे को पढ़ना ही नहीं है, तेरे को मैथ्स पढ़नी नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों करवाऊँगा? जबरदस्ती थोड़ी है मेरे को। लास्ट में लिखना, सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 30 किलोमीटर पर आवर। किसी भी चीज का इंटरेस्ट करने से आता है, आप नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। यदि मैं किसी चीज को है ना ये सोचूंगा मेरे को करने में अच्छा नहीं हो रही, तो आप करोगे तभी इंटरेस्ट आएगा। भाई सिंपल सी बात है, आप अपनी मम्मी से बात करवा देना अभी जाने से पहले, नहीं तो अगले दिन से क्लास में मत आना, आज नहीं करवाओ। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, तेरे को अच्छी लगे तो बढ़िया, बुरी लगे तो बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए बेटा, आज तेरा पहली बार है इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं तेरे।
वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर। टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। He takes 8 hours if he travels 120 kilometers by train. If he travels 120 kilometers by train and rest by car. 120 kilometers by train and rest by car. He takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometers by train and rest by car. Find the speed of train and car. We have to find the speed of train and car. So आप मान लीजिए let the speed of train be x kilometer per hour and speed of car equal to y kilometer per hour. Let speed of train x किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर. नाउ केस पर कितने किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है? वन ट्वेंटी किससे कर रहा है? तो बेटा देखो अगर मैं इधर बता देता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 120 किलोमीटर ट्रेन से कर रहा है तो टाइम कितना लगा? 120 बाई एन एक्स. क्या है उसकी स्पीड? इतना टाइम लगेगा प्लस टोटल किलोमीटर कितने किलोमीटर है? तो 600 में से 120 हटा तो कितना बचा? 480 किससे करेगा? कार. टोटल टाइम कितना लग रहा है? ये हमारी फर्स्ट थी. आया क्या ये 120 अपॉन एक्स कैसा है ये समझ में आया? टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 120, स्पीड है एक्स. तो 120 बाई एक्स प्लस 480 बाई वाई इक्वल टू 8. नाउ केस सेकंड. अब कितना बोल रहा है दूसरे केस में? किससे? 200 बाई ट्रेन. तो बचा कितना? 400 बाई कार. कितना क्लियर है? ज्यादा लग रहा है. तो 8 प्लस 20 बाई 60. आवर में चेंज करना भाई, मिनट मिनट 20 मिनट है तो उसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा. तो 20 बाई 60. आया समझ में? चेंज करो भाई, 20 बाई 60 कितना हो गया? तो 8 प्लस 1 बाई 3 सोल्व करो. एट प्लस वन बाई थ्री कितना हो गया? 25 बाई 3 हो गया ना बेटा. 8 प्लस 1 बाई 3 करो ना, 25 बाई 3. तो ये वैल्यू आ गई 25 बाई 3. Now let 1 by x equal to 8. Or 1 by y equal to b. So equation aagi 120 a plus 480 b equal to 8. Or dusra aagya 200 a
प्लस 400 बी इक्वल टू 25 बाय 3। इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, किसको सेम बनाना चाहते हो बोलो। ए को बनाओगे तो 120 और 200। तो इसमें देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। दोनों में बड़ा कौन है? छोटा 120 है, तो 120 के मल्टीपल लेके जाओ, जैसे 200 का मल्टीपल आ जाए रुक जाना। 120 का मल्टीपल 120, 240, 480, 360, 480, 600। बोलो ये 200 का मल्टीपल है कि नहीं? इसका मतलब 120 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। और नीचे वाले को किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन थर्ड बाय 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 और इक्वेशन फोर्थ बाई 3। फर्स्ट को 5 से करो, इसे करो। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 12। बी का वैल्यू कितना आ गया? 1/80। लिखो यहाँ पे, अब बी का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखी, ए का वैल्यू निकालो जल्दी। क्या है एक का वैल्यू? 1/60। नाउ ए इक्वल टू 1/60 इक्वल टू 1/x, तो x का वैल्यू 60। बी इक्वल टू 1/80 इक्वल टू 1/y, तो y का वैल्यू 80। तो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। लिखो, तो द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? पक्का? ये आपका स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार आ गया। एको कर रहे हैं कि कर लोगे इस तरह की प्रॉब्लम तो बोल, एको करवा देंगे। देखो तो तुम करना बैठ गया है ना, क्या नहीं आएगा वो मैं बताऊं। अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर
by train 370 kilometer by train and partly by car. If he covers 250 kilometer by train, if he covers 250 kilometer by train and rest by car, it takes him 4 hours. But if he travels 130 kilometer by train, and rest by car, it takes him 18 minutes longer. Find the speed of train and car. तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन और कार दोनों की स्पीड निकालनी है. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार. कहां से बेटा बोल. अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार. इफ ही ट्रेवल 250 किलोमीटर बाय ट्रेन and rest by car, it takes him 4 hours. Baki ho gaya karo. निकालो भाई.
आया 18 क्या हुआ भाई, कहाँ तक पहुंचे? अच्छा, हो गया हाँ सर, कितना आया? सर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। 100 और 80। ठीक है, देखो लेट द स्पीड ऑफ, पहले क्या है कि वन ट्रेन ही है ना, एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहले कितना किलोमीटर कवर कर रहा है ट्रेन से? 250, तो 120 बाई कार, 4 घंटे लग रहे हैं। दूसरा 130, तो 240 बाई का 4 प्लस 18 अपॉन 43 बाई 10। लेट 1 बाय x इक्वल टू a एंड 1 बाय y इक्वल टू बी। यहाँ तक सही है। तो अब देखो सर, 250 a + 120 b इक्वल टू 4, फर्स्ट 32। 130 a + 240 b बाई 10। सिर्फ आप थर्ड इक्वेशन को किससे कर लो, टू से मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई टू। इक्वेशन थर्ड बाई टू, तो 500 a 240 b 8। फोर्टी बाई टेन माइनस माइनस माइनस, ये कह रहे ये तो कैंसिल हो गया। 500 माइनस 130, 8 माइनस 43 बाई 10, 80 माइनस 43। तो ए इक्वल टू 1 बाय 100 आ गया, इक्वल टू 1 बाय x। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 100। x की वैल्यू 100, तो इसमें रख दो डायरेक्ट, या फिर पहले ए की वैल्यू निकाल लो। अब ये 1 बाय x इक्वल टू ए आ गया आपको, x इक्वल टू 100 आ गया आपको। बोलो इसमें रखूं कि पहले ए बी निकालो? चलो पहले बी निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब फर्स्ट में रख दो भाई, 250 a, ए की वैल्यू कितनी है, 1/100। तो 120 b इक्वल टू 4 माइनस 5 बाई 2, 8 माइनस 5 बाई 2, बी का वैल्यू आ गया 3 बाई 2। कितना आ गया, 1 बाई 80। ना बी इक्वल टू 1 बाय वाई, तो वाई आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर। या या
बोले अगला, लिख लिख लिख। A boat covers a boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. 36 kilometer downstream in 7 hours. 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream. 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of boat in still water. Find the speed of boat in still water and speed of steam. Speed of boat in still water and speed of steam. तो बेटा हम पहले तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। Speed of boat in still water is x kilometer per hour and speed of stream is y kilometer per hour. अब देखो क्या होता है कि जब बोट आपकी ऐसे जा रही है अपस्ट्रीम, अब पानी का बहाव यूं है तो ये इसको अपोज करेगा। जैसे होता है ना कि हवा चल रही है और आप स्कूटर लेकर, हवा तो इधर से आ रही है और आप इधर जा रहे हैं, तो आप ऐसा लगता है आपको कोई रोक रहा है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। जब आप स्ट्रीम आएगा ऐसे तो बोट की स्पीड को थोड़ी सी धीमे करेगा, कौन? ये आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का बहाव जो है। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? यदि आपका उल्टा जाएगा, अप स्ट्रीम मतलब उल्टा, अप स्ट्रीम स्पीड, तो बेटा अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? भाई आप तो ऐसे जा रहे हो तो पानी का बहाव नहीं होगा, इसका क्या होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यह आपकी अपस्ट्रीम स्पीड होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम बात कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की, पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। अब देखो दोस्त, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पहले केस में कितना किलोमीटर आप स्ट्रीम जा रहा है? तो 32 और टाइम कितना लगा बेटा? 32 अपॉन एक्स माइनस वाई, जो निकाला था टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है? 36। टाइम कितना लग रहा है टोटल? 7 आवर्स, यही बोल रहा है ना पक्का? फिर दूसरे केस में 40 किलोमीटर, फिर कितना टाइम लग रहा है? 9 आवर्स। ठीक है, लेट वन अपॉन एक्स माइनस वाई
equal to a and 1 upon x plus y equal to b. So 32a plus 36b equal to 7 first equation. Of 40a plus 48b equal to 9 second equation. अब आप एक बार डिसाइड कर लो कि किसको सेम बनाना चाहते हैं. जिसको भी आपको एक बार डिसाइड करना पड़ेगा जिसको करना चाहते हो बोलो. ए को करना चाहते हो तो 32 छोटा वाले का मल्टीपल बोलते जाओ. 32, 64, देखो 40 का मल्टीपल आते रुक जाना. 96, 144, अभी तक नहीं आया ना. 160 आ गया क्या? आ गया. इसको मतलब 32 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से. और 40 को किससे करोगे? 4 से. 160 तभी तो आएगा. वन जीरो एट 32 96 सॉरी वन कितना आएगा? 128 और 128 के बाद 160. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन पर बाय 5 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4. 5 से करो 168, 5 से करो 180b, 5 से करो 35, 4 से करो 144, 192, 4 से करो सब्ट्रैक्ट 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 माइनस 12b, तो b का वैल्यू 1/12, और b था हमारा 1 upon x plus 1. So x plus y equal to 12. 32. Now put b in equation 1. तो x माइनस वाई इक्वल टू 8, 42. तो हमें थर्ड और फोर्थ को सोल्व करना है. सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड 1. सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ x equal to 20, तो x equal to 10 और y equal to 2. So the speed of boat in still water equal to 10 km per hour और speed of stream 2 km per hour. इसके बाद आप बैठ के आपका होमवर्क करिए. बाकी होमवर्क मैं बाद में सेंड करूंगा. पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो. नहीं करोगे तो मैं आगे क्लास में नहीं एंट्री दूंगा किसी को भी. सबके लिए रूल है, कोई एक के लिए नहीं.
लगा ही नहीं सकूं। Thank you.